हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में हम अपने पौधे को कौन सा एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे जो पौधे हैं इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, पौधे में नए नए बड्स बने और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावर खिले। तो इसके लिए हमें लेना है एक ऐसा एनर्जी बूस्टर जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हुए पौधों में कलियाँ बनाएंगे, पौधे में पत्तियाँ पीले नहीं होंगे और पौधे में जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी होगी। क्योंकि ठंड का जो मौसम होता है इसमें जो कि हमारे जो पौधे हैं वो एकदम से स्ट्रेच में आ जाते हैं और पौधे में कलियाँ बनना बंद हो जाता है, पौधे अपने ग्रोथ को रोक देते हैं क्योंकि ठंड के कारण पौधे जो है अपने आप को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कलियाँ अच्छे से उनमें खिलते नहीं है और बड्स यदि बन भी जाए तो कलियाँ क्या है वो खिलने से पहले ही कई कई बार गिर जाते हैं या फिर फूलों का भी जो आकार है वो एकदम से छोटा हो जाता है। तो इसके लिए हमें ऐसा एक फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना होता है जिससे हमारे पौधे की एनर्जी बनी रहे, पौधे में अच्छे अच्छे फ्लावर खिले, बड्स ज़्यादा मात्रा में बने और पौधे में जो है ग्रोथ भी अच्छे से हो। तो इसके लिए मैं लूँगी यहाँ पे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालने से हमारे पौधे की सभी प्रकार की जो परेशानी है ग्रोथ से लेकर फ्लावर से लेकर तो सब ये दूर हो जाएंगे और पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखिए फर्टिलाइज़र, ये जो मैं कटोरी में आपको दिखा रही हूँ यही वो फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधे के ग्रोथ के साथ साथ पौधे में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाएगा, पौधे की जो है अंदर से एनर्जी मिलेगा और पौधा जो है हमारा स्वस्थ रहेगा, इनमें भर भर के जो है फ्लावरिंग भी होगी। तो ये गुड़हल का फूल है जो कल खिला है और आज ये थोड़ा मुरझा गया है, इसकी भी बहुत ही अच्छी सुंदर सी कलर है। तो इस फर्टिलाइज़र को हमें किस रूप में डालना है और ये कौन सा फर्टिलाइज़र है तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी और इस फर्टिलाइज़र को डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगी। एक तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसे हम अपने सभी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं, चाहे हमारा फूल वाला पौधा हो, फल वाला हो या फिर सब्जियाँ हो, हर प्रकार के हम पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये एक एनपी का स्रोत है, एनपीके की पूरी स्रोत इसमें आपको मिलेगी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये बहुत ही अच्छे मात्रा में इसमें पर्याप्त मात्रा में बना हुआ है। और जब हम इसका फर्टिलाइज़र बना के हम अपने पौधे में देंगे तो हमारे पौधे में बहुत सारे बड्स बनेंगे और इसका रेगुलर मतलब महीने में हम इसका एक से दो बार या कभी कभी हम तीन बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे सेवेंती में भी आप देख सकते हैं बड्स बनने चालू हो गए हैं, सेवेंती के प्लांट में भी हम इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। तो इस फर्टिलाइज़र को हमें किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो इस फर्टिलाइज़र को हमें लेना है और लेना है हमको एक एक खाली सा डब्बा, ये देखिए इस खाली डब्बे में हमें इस फर्टिलाइज़र को ये जो सूखा है इसे हमें डाल देना है। इसे डाल देने के बाद हमको इसमें मिला देना है पानी, इसको हम पानी से पूरा सा पूरा मैं यहाँ पे लगभग एक लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा ही है तो हमें इस फर्टिलाइज़र को पानी में पूरा मिला देना है और मिलाने के बाद हमको इसे ढक के किसी छायादार जगह पे हमें इसको रख देना है और इसको हमें तब तक रखना है जब तक इसका जो सूखा वाला जो फर्टिलाइज़र इसमें मैं डाली हुई अच्छे से घुल के पूरे पानी में ना मिल जाए। ये देख सकते हैं आप ये तैर के थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं तो ये पूरा घुल जाएगा और इसका जो फर्टिलाइज़र है धीरे धीरे तैयार होते रहेगा। तो ये जो मैं डाली हूँ आपको सूखा फॉर्म में दिखा है जो टुकड़ों में, यह है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। तो इसे हमको अभी छायेदार जगह पे हमें इसको 6 से 7 दिन तक रख देना है क्योंकि जब तक ये अपने मतलब पूरा घुलनशील में नहीं आएंगे और इसमें एक सड़न सी नहीं होगी जब तक ये फर्टिलाइज़र के रूप में पूरी तरीके से अच्छे से तैयार नहीं होता है तो हमें इसको 6 से 7 दिन या 8 दिन भी हम इसको छायादार जगह पे ढक के रख देंगे। बीच बीच में हम थोड़ा इसको यदि हिला देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने पहले से बने हुए एक फर्टिलाइज़र को मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए
ये मैंने एक बड़े से डब्बे में बनाया है और यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्लांट में देना है करके मैं थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में बनाई हूँ इसको। और इसे हमको अच्छे से इसको मिला लेना है, क्योंकि ये अभी अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र बन के हमारा तैयार हो गया है। तो इसको जब हम अच्छे से हिलाएंगे, इसमें एक महक सा मतलब हो जाता है, एक सड़न वाली एक बदबू सी आती है, लेकिन वही जो है हमारे पौधे के लिए जब इस फॉर्म में तैयार हो जाता है तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से इसे हमको अच्छे तरीके से मिला लेना है, और इस तरीके से मिलाने के बाद डायरेक्ट भी हमें इसे अपने पौधे पे अप्लाई नहीं करना है। इसे अभी हमें एक सादा पानी में ज़्यादा करके मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2.5 लीटर का मेरा ये डब्बे में बना है फर्टिलाइज़र, तो मुझे लगभग इसमें उससे 2 डबल ज़्यादा पानी में इसको मिलाना है। तो मैं यहाँ पे 1 बाल्टी में लगभग भर के ही पानी ले लिया है और मैं अभी इस फर्टिलाइज़र को पूरा इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, तो मेरा ये पूरा 1 बाल्टी फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं हर 10 दिन में एक बार करती हूँ अपने प्लांट पे। और इसको भी अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लेना है, इसे भी ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, बहुत ही अच्छे से हमें इसको मिलाना होता है और उसके बाद ही हम इसे अपने हर प्रकार के पौधे में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पौधे में जो भी फ्लावर अभी खिले हुए आपको दिख रहे हैं, तो मैं बीच बीच में अपने सभी तरीके के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक कुमड़ा का भी पौधा है जिसे भी मैं इस फर्टिलाइज़र को इस डालती हूँ। तो यहाँ गुलाब में भी मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को डालूँगी। और मिट्टी में मैंने शाम को, मैं अभी इस फर्टिलाइज़र मॉर्निंग में दे रही हूँ, तो मैंने इवनिंग में पहले दिन इवनिंग में मैंने इस पौधे को हल्का सा पानी डाल दिया था, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं तो हमारा मिट्टी में यदि थोड़ा सा नमी बना रहे तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, जल्दी असरदार होता है और तुरंत ये हमारे गमले से बाहर नहीं निकलती है, मतलब कि ड्रेनेज होल से ये जल्दी से नहीं निकलती है। यदि हम एकदम सूखे वाले मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो ड्रेनेज होल से हमारे जो फर्टिलाइज़र है जल्दी बाहर निकल जाती है। और मिट्टी में यदि थोड़ा सा नमी बने रहे और यदि हम हल्का सा इसकी गुड़ाई कर दें, उसके बाद यदि हम फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो ये हमारे पौधे के जड़ तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं और पौधे से मतलब जड़ ये फर्टिलाइज़र को लेते हुए अपना काम शुरू करते हुए पौधे में फ्लावरिंग को बनाने लग मतलब कलियां बनाने लगते हैं, फ्लावरिंग इसमें अच्छे से होते हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का हमें गुड़ाई कर लेना है और सभी पौधे में हमें एकदम भर भर के फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइज़र को डालते रहेंगे तो फर्टिलाइज़र जो है हमारे गमले के जो ड्रेनेज होल है उससे बाहर निकल आएंगे। हमें इस तरीके से डालना है कि ये हमारे मिट्टी की ऊपरी सतह में अच्छे से थोड़ा भीग जाए और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। तो इस तरीके से हम अपने सभी प्लांट में इस तरीके के फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, क्योंकि यह NPK का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में पाया जाता है और इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप 10 से 15 दिन में अपने सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र है, खासकर ये सर्दी के मौसम में हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसका जो तासीर होता है वह गर्म होता है, जिस कारण से ठंड में हमारे पौधे जो है स्ट्रेच में नहीं आते हैं और ठंड के कारण इनकी जो ग्रोथ है, जो रोक देते पौधे, वो भी नहीं रुकता है, पौधे अपने फुल ग्रोथ में भी रहते हैं, पौधे में एनर्जी बनी रहती है और पौधे जो है बहुत ही अच्छे से अपनी फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मस्टर्ड के कफ जो फर्टिलाइज़र होता है वो विंटर में बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधों के लिए उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो मैं अपने सभी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को बना के महीने में 2 बार 15 दिन के अंतराल में एक एक बार करके देती हूँ और मेरे प्लांट को आप देख ही सकते हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें अभी
बड्स भी बने हुए हैं। तो इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर आप सरसों के खली का बना के अपने प्लांट को दीजिए। ये सर्दियों के मौसम का एक एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइजर है, पौधे को ग्रोथ को बनाए रखेगा, पौधों में भर भर के फ्लावरिंग होगी और पौधों में एक चमक सा भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।